रोजाना ज्ञान वर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 26 अप्रैल 2021 सोमवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात रहे। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 26 अप्रैल 2021 दिन सोमवार का है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक दोपहर 12:44 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 1:55 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 11:16 तक चलेगा और इसके आगे स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं योग की। वज्र योग बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 4:23 से लेकर ठीक रात्रि के 12:16 तक चलेगा और इसके उपरांत सिद्धि नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो सुबह के 6:01 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के 6:48 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक शाम के 6:09 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा सुबह के 6:03 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा कन्या राशि इसके उपरांत तुला राशि पर गोचर करेगा, जो कि यह दोपहर 12:32 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं शुभ समय। तो यह सुबह के 11:59 से लेकर ठीक दोपहर 12:50 तक चलेगा, अर्थात आज का अशुभ समय यानी राहु काल। यह सुबह के 7:37 से लेकर ठीक शाम के 9:12 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले होते हैं। किसी को ये सोचकर मत छोड़ो कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे देने के लिए, बस ये सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़े नहीं। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हो नर्म दिल हो, लेकिन आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार फिर से माफ करते हो तो आप दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों का मात देता है। अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। शिक्षा या यात्रा आपके विश्वासों को नए दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। अगर आप स्वास्थ्य या आर्थिक चिंताओं का सामना कर रहे हैं तो अभी समय सीमित महसूस कर सकते हैं। करियर में बदलाव की भी संभावना है, सोचे समझे और इसके लिए खुद को तैयार रखें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपके महीने का सबसे अच्छा दिन है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आज उत्साहित और बलशाली महसूस करेंगे, लेकिन अपनी शनक की वास्तविकताओं को न भूलें। हम आपको बताना चाहेंगे आपको अपने कार्यों के परिणाम को सहन करना पड़ सकता है, इसलिए जिम्मेदारियों से कार्य करें। सपने तभी सच होंगे जब आप उन सपनों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर की बात करते हैं। यह समय उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा का योग है, जो आपके जीवन को अप्रत्याशित मोड़ ले आएगी।
पिता की तरह के व्यक्ति का हर कार्य में समर्थन मिलेगा और नए संपर्क बनेंगे। आने वाले प्रोटेंशन और बैठकों की तरफ ध्यान दें। कीमती सामान के नुकसान या दुर्घटना से बचें। आपको इस दौरान आज का दिन महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है। आपका मूड बेहतरीन है, लेकिन अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गवाकर किसी अच्छे कार्य में गवाएं। हम आपको बताना चाहेंगे, उत्साही होकर जिम्मेदारियों को न भूलें। धन योग अभी आपके भाग्य में है। चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कोई जान पहचान वाला या भाई साथ ही आपका तरफ आकर्षित हो रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जल्द ही आपको सरप्राइज मिल सकता है। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत आपको अपने पार्टनर से ज़्यादा नज़दीक ले आएगी। हम आपको बताना चाहेंगे, इस दौरान धार्मिक सुझाव के कारण तीर्थ यात्रा का भी प्लान बन सकता है। आपका हंसमुख स्वभाव आपको मित्रतापूर्ण और नर्म बनाता है और आपके यही गुण और लोगों को आकर्षित करते हैं। आप अपने नए रिश्ते को लेकर खुश और उत्साहित हैं। आपके सितारे यह बता रहे हैं कि आपका यह रिश्ता लंबा चलने वाला है। दोस्तों, अगर इस जानकारियों से आप सहमत हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ सच्चे दिल से जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।